जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे पीछे लास्ट में बात हो रही थी प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस पार्ट टू, उससे पहले हमने एक पार्ट और भी डिस्कस किया था। आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस। और आज हम बात करने वाले हैं, चाहे स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो, उसमें एक या दो नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। इंपॉर्टेंट फुल फॉरम, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसे आप एंड तक देखिए। एग्जाम में एक या दो नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है अपने जितने भी वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं WW का पूरा नाम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो WW का पूरा नाम हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट है, याद करके चलें, वर्ल्ड वाइड वेब WW का पूरा नाम है। एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि WW का पूरा नाम। तो नेक्स्ट बात करते हैं CCI का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है। तो हमारा CCI का हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि CCI का पूरा नाम, तो CCI का पूरा नाम हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं PSLV का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, जो कि हो गया पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है PSLV का पूरा नाम, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसे याद कर चलें। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वो है GSLV। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है एग्जामों में। तो GSLV का पूरा नाम हो गया जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है PCLV और GSLV, तो आप इसे भी याद कर चलें। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है SMS का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। SMS तो सबके पास आता है, लेकिन SMS का फुल फॉर्म है वो आज आपको आपका भाई बताएगा। तो उसका हो गया शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इंपॉर्टेंट है, तो हमारा SMS का पूरा नाम हो गया शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इंपॉर्टेंट है, याद कर चलें, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट RBI का फुल फॉर्म, जो हमारी बैंक है भारत की सबसे बड़ी। तो RBI का फुल फॉर्म हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि RBI का पूरा नाम, तो RBI का पूरा नाम हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है DOS, DOS का पूरा नाम। इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो गया डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि DOS का पूरा नाम क्या है, तो DOS का पूरा नाम हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है पैन का पूरा नाम। हमारा पैन कार्ड होता है, उसका पूरा नाम क्या है, तो हमारा पैन का नाम हो गया परमानेंट अकाउंट नंबर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि पैन की फुल फॉर्म क्या होगी, तो पैन की फुल फॉर्म हो परमानेंट अकाउंट नंबर होती है। इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है FM, जो कि हम बचपन से सुनते हैं, जो कि रेडियो से रिलेटेड वर्ड है। तो FM का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, तो आज आपका भाई बताएगा आपको। तो FM का पूरा नाम हो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है कि FM का पूरा नाम, तो उसका हो गया फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं CNG, जो कि हमारी एक गैस है, उसका पूरा नाम। बहुत बार क्वेश्चन देखने मिलता है कि CNG का पूरा नाम, इसका हो गया कंपोज्ड नेचुरल गैस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने मिलता है कि CNG का पूरा नाम, तो इसका हो गया कंपोज्ड नेचुरल गैस। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है GPC। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है। GPSC का नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन GPSC का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि GPS का पूरा नाम, तो हमारा GPS का पूरा नाम हो गया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं BCCI का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। तो हमारी BCCI का पूरा नाम हो गया द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि BCCI का पूरा नाम, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है NIA का पूरा नाम। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है। तो NIA का पूरा नाम हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि NIA का पूरा नाम, तो इसका हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारी रो का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, तो इसका हो गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि रो का पूरा नाम, तो रो का हो गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट बार CBI का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि CBI का पूरा नाम, तो CBI का पूरा नाम हो गया सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है। CBI का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म का पता नहीं होगा, आज आपका भाई बताएगा इसकी फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म हो गई, तो हमारी CBI की फुल फॉर्म है वो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं CID का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, CID का नाम तो सबने सुना होगा, तो CID की फुल फॉर्म हो गई क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि CID का पूरा नाम, तो CID का पूरा नाम हो गया क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इसे भी याद करें।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आईबी का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है, तो हमारी आईबी का फुल फॉर्म हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो इम्पोर्टेंट है। आईबी एक शराब भी आती है तो ये वो नहीं है, आईबी का पूरा नाम हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने अभी जितने भी बात की है पांचों, तो ये भारत की प्रमुख एजेंसियाँ हैं जो कि NAI, रो, CBI, CID, IB, ये भारत की एजेंसियाँ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है SSC का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, चाहे स्टेट एग्जाम हो या सेंटर की एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो SSC का पूरा नाम हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करके चलना है, तो SSC का पूरा नाम हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ISSF का पूरा नाम जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप इसे याद करके चले, एग्जाम में ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। ISSF का पूरा नाम, तो ISSF का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फीफा का पूरा नाम जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, तो हमारा फीफा का पूरा नाम हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार नेवी की AA की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है फीफा का पूरा नाम, तो ये फीफा का पूरा नाम हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है IPPB का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने मिलता है, तो इसका पूरा नाम हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बैंक की एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। IPPB का पूरा नाम तो इसका हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, एग्जाम में आगे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ओमार का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी ऑफलाइन एग्जाम होती है उसमें जो हम आंसर शीट भरते हैं, ओमार का नाम तो सबने सुना होगा लेकिन इसकी फुल फॉर्म का पता नहीं है, तो ओमार का पूरा नाम हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओमार का पूरा नाम, तो ओमार का पूरा नाम हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर सकते हैं, आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो का पूरा नाम जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इंपॉर्टेंट है, तो हमारी इसरो एजेंसी का नाम हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो का पूरा नाम हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसे भी याद करके चलें, एग्जाम में क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नासा जो कि अमेरिका की एजेंसी है और विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, तो नासा का पूरा नाम हो गया नेशनल एरोनेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है कि नासा का पूरा नाम, तो नासा का हो गया नेशनल एरोनेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं DRDO का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है, जो कि भारत की जो भी अपनी सशस्त्र सेनाएँ हैं आर्म्ड फोर्सेज, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनको नए नए हथियारों देना, तो ये भारत की एजेंसी है, तो हमारी DRDO का पूरा नाम हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि DRDO का पूरा नाम, तो हमारा DRDO का पूरा नाम हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर चलें। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ISI का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो हमारी ISI का पूरा नाम हो गया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, तो ISI का पूरा नाम हो गया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कहते हैं रैम का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हमारी रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एग्जाम पटवार की एग्जाम और दिल्ली पुलिस की एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने मिलता है कि रैम का पूरा नाम, तो इसका हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं रोम का पूरा नाम, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो रोम का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी, इंपॉर्टेंट है, हमारा रैम का तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी, तो आप इसे भी याद कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है CAD का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हमारा CAD का पूरा नाम हो गया कंप्यूटर एडेड डिसिंग, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि CAD का पूरा नाम, तो इसका हो गया कंप्यूटर एडेड डिसिंग। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है सिम का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, सिम तो हर कोई यूज करता है लेकिन इसकी फुल फॉर्म का पता नहीं है, तो आज आपका भाई बताएगा आपको, तो सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सिम का पूरा नाम, तो सिम का पूरा नाम हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं ATM का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर कोई यूज करता है लेकिन इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ आज, तो ATM का पूरा नाम हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि ATM का पूरा नाम, तो ATM का पूरा नाम हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट बात करते हैं RDX का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, जो है हमारी रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव, जो कि हमारी बारूद कार वो सारा ये भारत की एजेंसी RDX, तो RDX का पूरा नाम हो गया रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसे याद कर लें। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें एड्स का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है,
तो हमारा एड्स का प्रॉब्लम हो गया एक्विड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि एड्स का प्रॉब्लम, तो इसका हो गया एक्यूट एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है LCD का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर घर में यूज़ होती है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आज आपको आपका भाई बताएगा। तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि LCD का पूरा नाम, तो इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं DTP का पूरा नाम, तो जो है हमारी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा DTP, लेकिन DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ALU का पूरा नाम, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हमारा ALU का पूरा नाम हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है कि ALU का पूरा नाम, तो इसका हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं KB का पूरा नाम, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वो हो गई हमारी किलो बाइट, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि KB का पूरा नाम, तो इसका होता है किलो बट, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने में मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है EMI का पूरा नाम, जो कि आजकल सारा सिस्टम EMI पर ही है, तो हमारी EMI हो गई, इसे हम किस्त कहते हैं। EMI का पूरा नाम होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि EMI का पूरा नाम, तो EMI का पूरा नाम हो गया इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कहते हैं EVM का पूरा नाम, जो कि हमारी एक वोटिंग मशीन है, तो हमारी EVM का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि EVM का पूरा नाम, तो हमारे EVM का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं LAN का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने सुना होगा और जहाँ नेटवर्क होता है वहाँ पे लिखा होगा, तो उसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि LAN का पूरा नाम, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है WAN का पूरा नाम, WAN, WAN का पूरा नाम, WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि WAN का पूरा नाम, तो WAN का पूरा नाम हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है GST का पूरा नाम, जो कि आजकल हर प्रोडक्ट पे लगती है, तो हमारा GST का पूरा नाम हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है, ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, है तो क्वेश्चन इजी लेकिन ये घुमा के पूछा जाएगा, तो हमारा GST का पूरा नाम याद करके चलें गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट बात करते हैं NCERT का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत बार सुना होगा कि NCERT, लेकिन NCERT है क्या, वो हमारी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि NCERT का पूरा नाम, तो वो हो गया हमारा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है, याद कर चलें। नेक्स्ट बात कहते हैं HTTP का पूरा नाम, तो हमारी HTTP का हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है कि HTTP का पूरा नाम, तो HTTP का पूरा नाम हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद कर चलें, एग्जामों में आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं GIS का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है, तो हमारा GIS का पूरा नाम हो गया ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि GIS का पूरा नाम, तो GIS का पूरा नाम हो गया ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जामों में क्वेश्चन देखने में मिलेगा आगे भी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कोबरा का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी आर्मी की कमांडो से रिलेटेड है, तो हमारी कोबरा की फुल फॉर्म होती है कमांडो बटालियन फॉर रिजल्ट एक्शन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलता है कि कोबरा का पूरा नाम, जो कि CRPF की एक घातक टुकड़ी है, तो हमारी कोबरा का पूरा नाम हो गया कमांडो बटालियन फॉर रिजल्ट एक्शन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कहते हैं AFT का पूरा नाम, तो हमारी AFT का पूरा नाम हो गया आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एयरफोर्स की एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है AFT का पूरा नाम, तो AFT का पूरा नाम हो गया आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं FIR, हमने सुना तो बहुत बार होगा कि FIR, लेकिन FIR होती क्या है, वो होती है हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है कि FIR का पूरा नाम, तो FIR का पूरा नाम हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद कर सकते, आगे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं IPC का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन IPSC होती क्या है, तो IPSC का पूरा नाम होता है इंडियन पेनल कोड, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि IPC का पूरा नाम, तो IPC का पूरा नाम हो गया इंडियन पेनल कोड। सो आई होप कि फ्रेंड्स, जो आज का हमारा ये टॉपिक है प्रमुख
इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म हमने, उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में, अपने जितने भी फुल फॉर्म होती है जो कि हमारी स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, उसमें हर बार एक या दो नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी ऐड करने की कोशिश की है। लेकिन यदि फिर भी कोई छूट गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई के लिए, ताकि हर किसी को पता लग सके। और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आपको स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होंगी, किसी एक वीडियो पर क्लिक करो, देखो, सीखो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।